अंबेडकर ने आजाद भारत को एक संविधान दिया, दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन दिया। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इस संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के शहरियों को वोट का हक दिया, अपने प्रतिनिधि चुनने और उन्हें लोकसभा भेजने और उनके जरिए हुकूमत बनाने का अधिकार दिया। लेकिन आज़ाद भारत ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को उनके जीते जी क्या दिया? आज डॉक्टर बाबा साहेब के मेमोरियल और स्टैचू बनाने वाले इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को एक लोकसभा सीट नहीं दी गई। लोकसभा के लिए आज़ाद भारत के इतिहास का पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था। इस इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जीतने नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें हराने की साजिश की गई और उन्हें हरा दिया गया। रिपब्लिकन लीडर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि आज़ाद भारत की पॉलिटिक्स में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दोस्त कम थे, दुश्मन ज़्यादा थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस, ये सब के सब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दुश्मन थे। सिर्फ सोशलिस्ट डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सपोर्ट करते थे। मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। 1952 में देश के पहले लोकसभा इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट से खड़े हुए, तो इन सब ने मिलकर कांग्रेस के एक अननोन कैंडिडेट के जरिए बाबा साहेब अंबेडकर को 14,000 वोटों से हरा दिया। क्या कोई अननोन कैंडिडेट उस जमाने में, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट की हैसियत से मशहूर हुए, भंडारा के लोकसभा सीट के लिए बाय इलेक्शन में भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उम्मीदवार बने कि उनको फिर एक बार चुनकर लोकसभा भेजा जाए, लेकिन वहाँ भी उनके सारे पॉलिटिकल दुश्मन एक हो गए और वहाँ उनको बुरी तरह से हराया गया कि वहाँ तो बाबा साहेब अंबेडकर थर्ड नंबर पर आए। आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेने वाले लोगों में, उनके नाम से पॉलिटिक्स करने वाले लोगों में कौन बाबा साहेब अंबेडकर का दोस्त है, कौन दुश्मन है, उसको अगर हम आज़ाद भारत के इतिहास की रोशनी में देखें तो बात साफ हो जाती है। लेकिन आज जबकि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से बड़े बड़े मेमोरियल बन रहे हैं, फिर एक सवाल देश के सामने है और इसका जवाब मिलना चाहिए कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने आज़ाद भारत को एक महान संविधान दिया, तो आज़ाद भारत ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को इनके जीते जी क्या दिया? उनको एक लोकसभा सीट भी नहीं दी, आखिर क्यों?